मैं जो भी बताऊंगा तो सभी चीज़ों को करनी है और बेहद सावधानी से, समय पे, सही तरीके से। और इसको करते हुए अगर कोई दिक्कत होती है, किसी भी तरह आपको लगता है कि नहीं गड़बड़ हो गया, कुछ दिक्कत हो रही है, हमें आपको दिक्कत महसूस हो, तो आपको इमिजिएटली आप उसको छोड़ देना है। और को जैसा ठीक लगे, जैसे पहले खाते थे रहते थे वैसा रहें, और जल्दी से जल्दी मुझे इन्फॉर्म करें और मैं कन्फर्म करूँगा कि ये क्यों हुआ ऐसा। हाँ, कुछ सवाल पूछूँगा, उससे पता चलेगा कि जो भी गड़बड़ हुई वो क्यों हुई। तो वो कारण पता करना मेरा काम है। हाँ, वैसे तो ये ऐसा जैसा भी मैंने बताया कि सावधानी से करना है, और फिर कुछ अगर दिक्कत हो तो उससे हट जाए, उसको छोड़ दें। तो ये एक दुनिया के कई सारे लोगों में इसको हटा यार, मतलब 1% ऐसे लोग होंगे पूरे दुनिया में जिसको कोई गड़बड़ी हो, दिक्कत हो। और वैसे भी मैं इसमें कुछ नया नहीं बताने वाला, आप जो डेली खाते हैं वही बताने वाला हूँ। तो फिर भी अगर गड़बड़ी होती हो तो उसको छोड़ दें और जिस तरह से खाते थे उसी तरह खाएं। अब ये रिकॉर्डिंग पॉज और रिज्यूम करते करते थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो अब आगे चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं सही लाइफ स्टाइल, किस तरह से जिया जाए, उसका जिस तरह से जीना चाहिए उसमें का एक छोटे से चीज जो पूरे दिन भर चलता है खाने पीने का, उसको लेके चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, हमें जो हम है वो बनना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को स्वस्थ करने के लिए जो हम है वैसा हमें बनना पड़ेगा, वैसा हमें रहना पड़ेगा, वैसा हमें खाना पड़ेगा। अब देख लीजिए, ये बिजली का तार है, हाँ वीडियो में भी आया, बिजली का तार है, इसको क्या खाना चाहिए, या उस तार में क्या चाहिए, उस तार को हम लोग क्या दे सकते हैं, और वो तार क्या ले सकता है। वो खाना वगैरह नहीं खाएगा, वो कुछ नहीं खाएगा, बस वैसा ही पड़ा रहेगा। उसमें आप एक ही चीज़ डाल सकते हैं और एक चीज़ उससे कर सकते हैं। उससे एक चीज़ डाल सकते हैं, उसमें करंट डाल सकते हैं, एक चीज़ उससे कर सकते हैं, उससे कुछ बांध सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ खास कर नहीं सकते। तो उसी तरह अगर उसको आप खाना खिलाइएगा तो आपका सारा खाना वेस्ट हो जाएगा, तो वो उसके किसी काम का रहा नहीं। एग्जाम्पल गड़बड़ा गया क्या, कोई बात नहीं, हटाते हैं एग्जाम्पल, हटाते हैं, सीधा बात करते हैं। तो वही कि आप जो है वैसा बने, वैसा रहें, वैसा खाएं, वैसा पिए, हाँ उसी तरह सोए, उसी तरह जागें। तो सबसे पहले हमें जागना चाहिए 4 बजे, 4 बजे साइंस है, वैसे देखा जाए तो हर चीज़ ही साइंस है वैसे तो। जैसे यहाँ पे हमें हेल्दी होना है, ठीक होना है, तो आपको चाहे कुछ भी हो जाए 4 बजे जगना ही पड़ेगा। अगर 4 बजे नहीं जगे तो हमारे नज़र में आप कितना भी दवा खा लीजिए, कैसी भी दवा, आयुर्वेदिक हो या फिर अंग्रेजी हो, एगेरा वगैरह तेगेरा कुछ भी हो, आपको बीमारी आराम करवा सकता है लेकिन ठीक नहीं कर सकता। और बात करते हैं आयुर्वेद की, अंग्रेजी दवा आराम करवा सकता है, ठीक नहीं कर सकता। अंग्रेजी दवा खाएंगे आराम है, फिर कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद फिर से आएगा, वो ज़िंदगी भर वैसा ही चलेगा। वो अंग्रेजी दवा में इतना दम नहीं है कि ठीक कर दे। जो अंग्रेजी दवा खाते हैं और समझते हैं कि हम ठीक हो गए दवा की वजह से, नहीं, वो आपका शरीर ने किया, अभी वो शरीर करता है, दवा नहीं करता। तो इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको बहुत सारा चीज़ जानना पड़ेगा, तो उसको छोड़ दीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि वो शरीर ही आपका है जो ठीक करता है, दवा नहीं। दवा इमरजेंसी टाइम में आपको इमिजिएटली आराम दे देता है। हाँ, तो आप जब भी इमरजेंसी में हो, आपका तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए, तो इमरजेंसी के लिए अंग्रेजी दवा बहुत अच्छी है, आपको बचा लेगी इमिजिएटली।
तो इमरजेंसी हो जाए, हाथ पैर टूट जाए तो अंग्रेजी दवा कराएं, लेकिन जैसे आपका तबीयत शांत हुआ तो आप आयुर्वेदिक दवाई कराएं। हाँ, वो अंग्रेजी से आप ठीक नहीं हो सकते, तो आप चलते हैं आयुर्वेद पे। आयुर्वेद की दवा खाने से आपको ठीक कर देगा, हमेशा के लिए ठीक कर देगा, लेकिन आपकी आदतों की वजह से, आपके गलत आदतों की वजह से आप फिर से बीमार पड़ोगे। क्योंकि जब आप दुनिया में आए थे तब आप स्वस्थ थे, जब आप 5 साल के थे तब आप बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन आखिर कुछ साल बाद पड़े ना बीमार। हाँ, तो कैसे पड़ गए? कोई खाद वाद खाने से नहीं पड़े आप, या किसी ने आपका वो खराब लीवर किडनी खराब नहीं डाला हुआ है किसी ने ऑपरेशन करके, कि वो बाद में दिक्कत कर दिया? वो आप तो जो भगवान से मिला था वही था, उन्होंने तो स्वस्थ दिया था, लेकिन आप कैसे जिए खाए पिए रहे कि वो बीमार पड़ गए, कुछ बॉडी पार्ट खराब हो गया? तो वो ख़राब होता है आपके जीने के तौर तरीके से। और अंग्रेजी जो इलाज करने की पद्धति है, ये पद्धति हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द, तो जो तो उसमें कहता है इंसान का दो बीमारियां होती हैं, दो तरह से इंसान बीमार पड़ता है, तो उसको दो भागों में बांटा गया है, बीमारी बीमारी को दो भागों में बांटा गया है। तो एक है इन्फेक्शन डिजीज, एक है लाइफ स्टाइल डिजीज। तो हमें इन्फेक्शन डिजीज का मतलब समझा देता हूँ, जैसे कि आपको किसी वायरस ने अटैक कर दिया, या फिर दिनाई चरम रोग, तो वो सब चरम रोग में आता है और वायरस लग गया, तो ये सब है इन्फेक्शन डिजीज। इस तरह के डिजीज को कहेंगे इन्फेक्शन डिजीज। और जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, जैसे कि किडनी में प्रॉब्लम, स्टोन, और भी जितनी सारी हम लोग बीमारियां जानते हैं समझते हैं, जिनसे हम परेशान रहते हैं, वो सारी की सारी गैस हो गई, ट्यूमर हो गया, किडनी फेल हो गया, लीवर, कैंसर, हार्ट अटैक, ये सारी की सारी लाइफ स्टाइल डिजीज के अंदर आता है। यानी कि लाइफ स्टाइल डिजीज यानी कि आपके जीने के तौर तरीके से, जैसे आप जी रहे थे तो जीते हुए तौर तरीकों से हुई बीमारी। तो हम लोग परेशान किससे है? इस इन्फेक्शन डिजीज से नहीं है, हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज से परेशान हैं। तो साफ साफ इस बात से क्लियर हो जाता है कि हम लोग गड़बड़ जी रहे हैं, इंसान हैं तो इंसानों की तरह जिए। तो अब चलते हैं आगे। सुबह आपको 4 बजे जगना पड़ेगा, और जगते समय आप बायां करवट होकर सोइए, करवट बायां, और आपका सिरहनी होना चाहिए इतना, आपका ये जो घेंट है ये ऐसे कमर तक सीधी होनी चाहिए। आप पैर मोड़ के सो सकते हैं, लेकिन ये एकदम सीधी, यहाँ पे इतना तकिया डालिए, और सुबह 4 बजे जगिए। और जागते समय आपको करवट लेना है दहिना, और फिर आराम से उठना है, और उसके बाद आपको मुंह नहीं खोलना है। जैसे मुंह खोलते हैं ना, कोशिश करिए कि मुंह ना खोले, और रूम से बाहर निकले जहाँ पे आपको हवा मिलेगा, तो कस के हवा लीजिए सांस, एक मिनट तक कम से कम अच्छे से लीजिएगा, तो आपका बॉडी में जो है गर्मी भी आएगी और ताकत भी बनेगा, और आपके शरीर में उस समय दो चीज़ों की खास कमी होती है। सबसे खास दो तरह की कमी क्या होती है? एक होती है ऑक्सीजन, हवा की कमी, जो कि आपके सांस लेने से पूर्ति हो गई। एक होती है पानी की, ठीक है? तो एक होती है पानी की। तो अब जब एक मिनट तक आप कस के सांस ले लेंगे, 1 से 2 मिनट, तो आपका पूरे शरीर में हवा अच्छे से पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच जाएगा। उसके बाद आप बारी है पानी की, तो आप पानी मिनरल वाटर फिल्टर ना ले, धारे की पानी ना ले, वो सब डुप्लीकेट पानी है, वो सब के बारे में बाद में बताऊंगा, वो सब डुप्लीकेट पानी है। तो आप अपना कल चलाएं और 10 से 20 हंडिल कल का पानी चला के, उसके बाद वो पानी
को आप थोड़ा सा सुसुम करिए और फिर उसको पीजिए, और पीते समय आपको ज़मीन के नज़दीक बैठना है, और फिर आराम से जैसे आप चाय पीते हैं तो आप आराम से मुंह में धर के और उसको थोड़ा सा चबाएं, और चबा के उसके बाद उसको आराम आराम से घोटें। तो इस तरह से सारा पानी पी जाए, और पानी आप जैसे आप पी गए ख़त्म हो गया, उसके बाद आप मोबाइल उठाएं और उसमें टाइम सेट करें, 48 मिनट का टाइमर, टाइमर पता है ना, टाइमर सेट जैसे बम में होता है, टाइमर सेट कर दिया 5 मिनट का, 5 मिनट में पड़ जाता है, उसी तरह मोबाइल में टाइमर आता है, आप टाइमर सेट कर दो 48 मिनट। तो 48 मिनट क्या है कि आप पानी पी लिए, उस समय से लेके 48 मिनट तक आप कुछ भी नहीं खा सकते, आप कुछ भी नहीं खा सकते या कुछ पी नहीं सकते। तो हाँ, ये जो सुसुम करके जो आप पानी पियेंगे तो उसमें आप एलोवेरा मिला सकते हैं, या और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, नीमो वो मिला सकते हैं, नीमो शहद, तो उस तरह से है, तो ये सब बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हाली हाली चलते हैं, थोड़ा बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। तो पानी पी लिए, उसके बाद 48 मिनट का टाइमर सेट कर दिया, उससे पहले कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, 48 मिनट होने के बाद ही कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो जैसे अगर सुबह 4 बजे जगेंगे तो 4:02 तक आप हवा ले रहे थे, 5 मिनट आपको लगभग लग जाएंगे कल से पानी चला के सुसुम करने में, तो वही 4:15 तक आप पानी भी पी चुके होंगे। तो 4:15 तक पानी पी चुके हैं, यानी कि अब आपको 5:07 तक आपको कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है। उसके बाद जब आप पानी पी लेंगे तो अब तो 48 मिनट का टाइमर लगा दिया है, अब उस समय तो एक दूसरा चीज़ खाना पीना नहीं है, तब उसके बाद करना क्या है, जब आप पानी पी लें तो आप फ्रेश होइए। और हाँ, कभी भी इमरजेंसी चीज़ों को जो है इमरजेंसी की तरह करें, जैसे कि मैंने कहा आप जागिए, और नहीं इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में करेंगे। तो आप पानी पी लिए, उसके बाद 48 मिनट का टाइमर लगा दिए, तो आपको अब निकलना है घूमने। अब हम बताते हैं घूमना कैसे है, आपका स्पीड जो है घूमने का वो एक समान होना चाहिए, आप उस समय कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि बोलने और सोचने में बहुत सारा एनर्जी वेस्ट हो जाता है, माइंड की कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाती है, माइंड उस समय कुछ खास काम कर रहा होता है इस बॉडी में, तो उस समय आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि ये आपका घर है तो गोल गोलाई, यानी कि आप अपने घर के आसपास ही टहलने निकले। तो अब घर के आसपास में निकलेंगे तो किस तरह से चलना है, उसमें आपको एक आप जितना झटक सके, एक होता है लो झटक चलना, आराम से चल रहे हैं, एक होता है उसमें आपको झटकना मीडियम स्पीड से, और एक होता है बहुत तेज झटकना, बहुत तेज झटकेंगे तो आप उसमें गिर भी सकते हैं, गड़बड़ा जाएगा। और सबसे लो जो है आराम से घूमते हैं, बतवाते हैं, चलते हैं, तो वो वाला नहीं करना है, आपको करना है मीडियम वाला, और चलते समय आप सांस अच्छे से लें, ठीक है, तो अच्छे से मीडियम में झटकते हुए, और रफ्तार सेम होनी चाहिए, आप कभी रफ्तार कम कर दिए, ज़्यादा कर दिए, किसी से बतवाने के लिए रुक गए, ऐसा नहीं करिएगा, बस चलते रहिए झटकते हुए और सांस लेते रहिए, और घर के आसपास ही टहलिए, लगभग आपको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट में आपका कुछ खास असर दिखेगा, और जो भी ऐसा करते हुए हो उसको समझिए क्या होता है इस तरह से पानी पीने के बाद, इस तरह से घर के आसपास ही झटक के झटकने से और सांस उसके साथ अच्छे से लेने से, तो वो हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है बॉडी स्ट्रेचिंग, अपने बॉडी को स्ट्रेचिंग करना है, वो चाहे कोई भी हो, दुनिया के कोई भी अगर वो इंसान है तो उसे स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, वो जिम करता हो,
जिम्नास्टिक हो, कंफू हो, या खेत में काम करने वाला हो, घर में झाड़ू बहारू करने वाला हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, उसको स्ट्रेचिंग सबसे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह हम खाना खाते हैं, हम लोग खाना खाने से पहले हाथ धोना ज़रूरी है, खाना मुंह में रखने से पहले मुंह को खोलना ज़रूरी है, उसी तरह अब हमें घूम लेने के बाद बॉडी का स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है। तो स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब थी क्या बोलते हैं उसको, जैसे ये है ऐसे, तो जैसे DIT करते हैं, तो उसी तरह से हम बताएंगे आगे। तो पूरे शरीर का स्ट्रेचिंग कर देना है, ऐसे घूमिएगा, स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा, तब तक आपका 48 मिनट हो जाएगा, और उसी समय आपको फिर जल्दी से जल्दी सुबह खाना भी बना लेना है, क्योंकि आपको खाने का समय शुरू होता है, आपको सूरज निकलते ही शुरू हो जाता है, तो जैसे सूरज निकल गया आपका खाने का टाइम शुरू हो गया। अब वैसे भी आप देखते होंगे कि जानवर सब जो है वो सूरज निकलते ही खाना शुरू कर देता है, तो दरअसल जानवर जो है वो जाने अनजाने में इंटेलिजेंट है, जाने अनजाने में, वो इसलिए क्योंकि वो समय से खाता है, समय से पानी पीता है, इंसानों की तरह नहीं है, जब मर्जी हुआ तब खाएंगे और उसी वक्त पानी पियेंगे, नहीं, और वो टाइम से खाते हैं, सही हिसाब किताब से, तो इसी वजह से वो बीमार कम पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, जितना अभी इंसान बीमार है उतना जानवर नहीं है। अगर आपको वास्तव में पता करना है कि जानवर कितना बीमार पड़ता है, तो आप जानवरों के डॉक्टर के पास जाइए, नहीं वो जाने की ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए, वो बीमारी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सही समय पे खाता है और सही समय पे पानी पीता है, और वो सब पाउज भी करता है, तो देखा जाए तो वो कम्प्लीटली वो खाना को एक तरह से अगर ध्यान से समझेंगे तो पता चलेगा वो खाना को अच्छे से चिबाया होता है, वो चबाता अच्छे से खाना को, पहले तो हली हली खा लेता है, फिर उसको पेट से मुंह में लाता है, और फिर उसको चबाता है, और अच्छे से चबाने के बाद फिर से घोट जाता है, फिर दूसरा खाना लाता है, फिर चबाता है, तो उसी तरह हमें भी चबा के खाना चाहिए। अब बाकी वीडियो बाद में बनाएंगे, अभी जा रहे हैं, अब जितना इसमें बता दिए उसे बता दिए। हाँ, और एक और चीज़ शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको, जो हम बताएं खाना होना चाहिए, उस खाने में क्या क्या होना चाहिए आपको, तसला, तसला बोलते हैं ना, एक होता है कुकर, एक होता है तसला, तो आपको तसला में खाना बनाना है, कुकर में नहीं, कुकर में बनाया हुआ खाना जहर होता है और उसमें के सारे न्यूट्रिएंट्स गायब हो जाते हैं, केवल 3% बचते हैं, लेकिन आप तसला में बनाएंगे तो आपको 90% तक बचेगा, तसला में बनाएंगे तो आपको कम से कम 90% तक न्यूट्रिएंट बचेंगे और वो सीझेगा, ठीक है, और वो सीझेगा, भात उसका, दाल उसका सीझेगा, लेकिन जो आप कुकर में बनाते हैं वो सीझता नहीं है, ये मेरा गारंटी है, अगर आपको पहचानने का है, आप पहचान सकते हैं, तो बड़ी ही बारीकी से उसको पहचानिएगा तो पता चलेगा क्या, कि जो कुकर का भात है, जो दाल है, वो सीझा नहीं है, वो सिर्फ प्रेशर की वजह से वो फूल गया है और वो नरम हो गया है बस, तो वो जैसे कि कहते हैं ना कीमा बना देने से, जैसे मांस का अगर कीमा बना दे तो वो हो जाएगा एकदम नरम, ऐसा लगेगा जैसे सीझ गया है, लेकिन अब कीमा बनाया हुआ चीज़ सीझा तो नहीं हो सकता, वो तो कांच ही रहेगा, तो उसी तरह कुकर में जो भात बनता है वो प्रेशर के वजह से अंदर तक, चावल के अंदर तक, दाल के अंदर तक प्रेशर से टूट जाता है वो, और एक तरह का कीमा हो जाता है, और वो चावल जैसा ही दिखेगा वैसा ही रहे, लेकिन वो कांचा होता है, कच्चा होता है, पका नहीं रहता, मैंने टेस्ट करके देखा है तो वो कांचा था, और जो तसली में भात बनेगा वो पका हुआ रहेगा, तो तसला में बनाना है, तो तसली में बनाना है, और